अब इतनी ज्यादा लंबी वली की डांस। एक रिपोर्टी भाई को हाथ कैसे लगा? धनक धनक देखो भाई को मार रही है। अरे भाई का कोई कसूर नहीं है, निर्दोष है वो। ए इसको बोल कैसे भी पानी। स्टॉप इट धनक, लेट हर डू हर ड्यूटी। अगर तुमसे ये देखा नहीं जा रहा है बाहर जा सकती हो। सर प्लीज सर ऐसे मत कीजिए सर। ए त्रिपाठी मेरे को बस यहाँ से निकलने दे, अपुन तेरा जिंदगी का हराम कर देगा। छोड़ मेरे को असलम, छोड़ अपुन इसको नहीं छोड़ेगा। सर मत मारिए। अपुन नहीं छोड़ेगा तेरे को। तेरी उल्टी गिनती शुरू। जिस दिन अपुन इधर से बाहर गया ना उस दिन तेरा गेम ओवर। अच्छे से धुलाई करो सबकी। धनक धनक मेरी बेटी, धनक मेरी बच्ची। बेना धनक ना संभाल। कैसे संभालू पापा? रखो और मैं संभाल। पापा कमिश्नर सर ने 3rd degree के ऑर्डर्स दे दिए पापा। बड़े बड़े गैंगस्टर्स नहीं झेल पाते वो तो। अब मैं क्या करूं पापा, मैं क्या। पापा मेरा मन कहता है कि ये लोग ऐसा घिनौना काम कभी नहीं कर सकते। पापा मैं क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा है। सारे सबूत उनके खिलाफ है। एक और रघु और माए चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वो लोग निर्दोष है, और एक और लक्ष्मी। पापा कहीं मुझसे माई और रघु को समझने में गलती तो नहीं है? ना बेटा ना, मेरी बेटी धनक कभी गलत हो ही नहीं सकती। मानता हूँ हालात बहुत मुश्किल हैं, रिश्ते और फर्ज के बीच में जंग छिड़ी है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है मेरी बेटी अपने रिश्ते और अपने फर्ज दोनों के साथ न्याय करेगी। धनक धनक पापा आप यहीं रुकिए, सीधे पापा को सब। पापा आप यहीं रुकिए, मैं आती हूँ। रघु सर प्लीज, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, सर मुझे ये केस हैंडल कर लेने दीजिए सर। इतनी बेरहमी से कौन इन्वेस्टिगेट कर दे सर। आई एम सॉरी धनक, नाउ इट्स टू लेट। सर प्लीज ऐसा मत कहिए सर। सर वो मेरी फैमिली है और मेरा दिल कहता है कि वो इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकते सर। हो सकता है वो बेकसूर हो सर। सर प्लीज सब आपके हाथों में एक मौका दे दीजिए। आई एम सॉरी लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। सर सर प्लीज सर। पुलिस का दल किधर है? रघु रघु नहीं रघु। आज तक माई से किसी ने ऊंची आवाज में भी बात नहीं की और आज उसको मार पड़ रही है। इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू है। त्रिपाठी प्लीज मत कीजिए, मैं मत मारिए। अब उन तेरे को कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। ये तेरा नाम लिखा है इधर? रघु रुक जा रघु। ए रघु, अरे ये ना साला को तू क्या कर रहा है? क्या कर रहा है रघु? रघु क्या कर रहा है? रघु रुक जा। बस कीजिए त्रिपाठी मैम, बस। हे रघु, धनक दूर हो जा मेरे बेटे से, दूर हो जा मेरे बेटे से। सुनी नहीं तू, मैं क्या बोली? हट हट उधर से। हाथ मत लगा मेरे रघु को। सुन रही तू? रघु, ए रघु, अरे कोई कोई पानी पिलाओ, पानी पिलाओ रघु को। अरे जाना पापा, ए
मेरे को। करेंगे उनसे कल को कैसे भी हालात आए, कैसा भी मौसम हो, तू ऐसे ही अपुन का हाथ पकड़कर अपुन के साथ खड़ी रहेगी। वादा करती हूँ तुमसे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुश्किलें आए, कितने भी तूफान आए, मैं तुम्हारा हाथ थाम हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। बहुत दर्द हो रहा है। दर्द तो हो रहा है मगर अब उनके लिए नहीं, तेरे लिए हो रहा है। क्या हालत बना के रख दी वो हलकट लोग ने तेरी, अब उनके नजरों के सामने अब उनके बच्चे को मारा, सर कुछ नहीं कर पाई, देख भी नहीं पाई तेरी तरफ। तेरे को भी तो वो खाकी ने कैसे, अपना एकदम फालतू बेटा है, अपन की आंखों के सामने अपन की माई को इतनी मार पिटती रही पर अपन साला कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। रोते नहीं मारा, नहीं रोते, तेरी ये जो माई है ना पुलिस को और 10 फटका खा सकती है, मगर अपने कलेजे के टुकड़े का इस तरह से रोना नहीं देख सकती। अरे तू शेर है, शेर, ये शेरनी का बेटा है तू। आज ये लोग चाहे जो भी कर ले तेरे साथ, मगर कल को जब तू पंजा मारेगा ना, कोई तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। अपनी फिक्र नहीं है अपुन को, पर तेरी ऐसी हालत देख,
नहीं देख सकता, नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। तू अपन चीज जाने। एक बात बोलू तेरे को, बुरा नहीं मानेगा ना? आज ये जो सीन दिख रहा है ना तू, ये मैं बहुत पहले देख चुकी है। जब तू आके पहली बार मेरे को बोला ना, ए माई, मेरे को एक पुलिस वाली से प्यार हुआ है, उसी वक्त ये सब कुछ मैं देख चुकी थी। कितना समझा रही मैं तेरे को, तू सांप पे भरोसा कर मगर खाकी पे नहीं। मगर तू नहीं माना तो आज ये सब कुछ होना ही था ना। देख, अपना हंसता खेलता फैमिली आज जेल में आके सड़ रहा है। ये सब उस लड़की की वजह से है, सब कुछ। एक पुलिस वाली से प्यार करने का सजा है ये, याद रख। मगर तू चिंता मत कर, अरे तेरी माई है ना, तेरी माई जिंदा है अभी तक। तेरी भाई को की जो गलती है ना, वो तेरी माई सुधारेगी। हाँ तो ऐसा कर, थोड़ी देर सो जा, मैं है ना, हाँ मैं सुलाती है तेरे को। जाग सिकारे वाया नीजरे नीज शिवराया, प्रहर लोटला बाई तरी डोला लागत नाही, गुणी बाळ सा जाग सिकारे। आयला, मेरे को तो लगा था ये ड्रग का केस मेरे को ले डूबेगा, लेकिन ये तो मेरे फायदे में ही रहा। मेरे एक झूठ ने अक्खा बाजी पलट दिया। आज हम दोनों को सॉलिड पड़ी है, लेकिन वादा नहीं, ये जख्म आज नहीं तो कल भर ही जाएगा। लेकिन जो जख्म आज तेरे दिल पे लगा है ना, उस गुजरातन के खिलाफ, वो कभी नहीं भरेगा। कमाल की मार मारी है खाकी ने, धनक के रघु की जान ले ली और मेरे बेटे रघु को वापस जिंदा कर दिया। अब कल सावित्री अपना मास्टर स्ट्रोक खेलेगी और फिर हम सभी की इधर से छुट्टी। सावित्री, क्या सोच रही थी तुम कि मैं फंसेगी और तू बच जाएगी? गलत फहमी थी तेरी। एक बात अच्छे से समझ ले, अगर लक्ष्मी गई ना तो तेरे को साथ लेके जाएगी। अदालत में दिया हुआ मेरा एक झूठा बयान तेरे को लटका देगा। येड़ी है तू, तेरे को क्या लगता है ये केस को अदालत तक जाने तक मैं वेट करेगी? मैं प्लान बना चुकी है, बस एक सही मौके का इंतजार, फिर मैं अपना अक्खा फैमिली को लेके फुर भाग जाएगी। लक्ष्मी, अब ये खबर सुनकर तुम मछली की तरह फड़फड़ाएगी और वही करेगी जो मैं नहीं, जो अपन का प्लान चाहता है। आईपीएस धनक जादव
उल्टा गिनती शुरू कर। डीसीपी त्रिपाठी, आज इन सब की कोर्ट में पेशी है, मेक श्योर कि कोई गड़बड़ी ना हो। यस सर। नंदू, फर्स्ट एड। नहीं चाहिए तेरा कोई उपकार। जब तू एक हाथ से चीज देती है, दूसरे हाथ से छीनती है। जयला, इतना सारा पिंक फेंकी मैं, अब तक तो गुब्बारा फूटना मरता था। गाड़ी रोक दे बापा, वरना अपन का सारा प्लान खराब हो जाएगा। ए शिंगे, थोड़ा ठीक से चलाना। शिंदे, क्या हुआ? त्रिपाठी मैम, आप ठीक है? नंदू, फर्स्ट एड बॉक्स दो। पानी, नंदू। मैम, प्लीज थोड़ा सा पानी पी लीजिए, यू विल फील बेटर। अब शुरू होगा ड्रामा। गिनती शुरू। एक, दो, तीन, छू। नंदू, क्या हुआ? मैम, गाड़ी पंचर हो गई है, बस 5 मिनट।
ये धनक का निशाना लक्ष्मी के पैर की तरफ काय को है? मर गई क्या रे? मरी छोगी ना, सीधा गोली मारा उसने, लक्ष्मी को गोली मारा। देवा अब तू जो चाहे कर ले धनक, तू मेरा और मेरी फैमिली का कुछ उखाड़ नहीं पाएगी। अपने हाथ से अपना गवाह मारी है तू, अब न लक्ष्मी बोलेगी और न सावित्री फंसेगी। मेरे को जेल में ठूसने का तेरा सपना तो What is this, तनक? ये तुमने क्या किया? अरे नासिक ड्रग केस का सबसे इंपॉर्टेंट स्लॉट खत्म हो गया। I'm really sorry, sir, लेकिन मेरा यकीन मानिए, जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ। मेरे पास उस वक्त कोई और ऑप्शन ही नहीं था सर। सर वो भागने की कोशिश कर रही थी, नंदू उसके पीछे दौड़ रहा था। मैंने उसको वार्निंग पर वार्निंग दी लेकिन वो रुक ही नहीं रही थी सर। मेरा निशाना उसके पैर पे था, पता नहीं कैसे पंक्चर की वजह से गाड़ी डगमगाई। सर मेरा कोई इरादा नहीं था लक्ष्मी को इस तरीके से। कौन यकीन करेगा तुम्हारी इस बात पर? अरे इस केस में तुम्हारी फैमिली इन्वॉल्व है, उनका बचना या ना बचना उसके बयान पर डिपेंड करता था। लक्ष्मी के मर जाने का मतलब तुम जानती हो? उन सब के लिए केस क्लोज। और सब लोग तो यही सोच रहे कि तुमने जानबूझकर लक्ष्मी का एनकाउंटर किया है। और आपको क्या लगता है सर? क्या आपको भी यही लगता है कि मैंने अपने रिश्तों के लिए अपने फर्ज के साथ? आई एम सॉरी धनक, इंक्वायरी तो होगी और तुम्हें जॉब भी देना पड़ेगा। दैट्स ऑल। लक्ष्मी के मर जाने का मतलब तुम जानती हो? उन सब के लिए क्लीन चीट। और सब लोग तो यही सोच रहे कि तुमने जानबूझकर इंक्वायरी तो होगी और तुम्हें जवाब भी देना होगा। मैम, फाइल। मैम, तुमने इसे चेक किया गीता? जी मैडम। एडवोकेट मेहता को मेरी तरफ से थैंक यू कह देना, मैं बाद में उन्हें फोन कर लूंगी। जय हिंद मैडम। कैसे हो? मैं जानती हूँ रघु, तुम उससे बहुत नाराज हो और नाराजगी जायज भी है तुम्हारी। लेकिन रघु, बस एक बार मेरी जगह खुद को रख के देखो।
सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ थे, हमारे परिवार के खिलाफ। मेरा फर्ज है निभाना तो आना। लक्ष्मी की मौत के बाद अब पुलिस डिपार्टमेंट के पास कोई सबूत नहीं है तुम्हारे खिलाफ। इसीलिए देखो जमानत के पेपर्स रेडी करवा लिए मैंने सबके। हर हाल में ये साबित करके रहूंगी कि लक्ष्मी ने फंसाया है तुम सबको। रखो भरोसा रखो मुझ पर। 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 27 ये मेरी माई की चीखी जो मैंने गिनी। पूरे 27 बार मारा तेरे खाकी ने अपुन की माई को। अपुन तो ये इधर बंद था ना, पर तू तो बाहर खुलेआम घूम रही थी। तू उसको रोक सकती थी लेकिन तूने नहीं रोका। रघु मजबूर थी मैं। बस तो शुक्र मना कि अपुन जेल में बंद था, नहीं तो जिस खाकी ने अपुन की माई पे हाथ उठाया है ना, अपुन तो उसका मर्डर कर देता। रघु प्यार करने का दावा करती है ना अपुन से, ये है तेरा प्यार ये? और ऐसे प्यार पे तो लानत है। क्या ये जमानत के कागजात? तू ये जमानत कराकर अपने किए का प्रायश्चित करेगी? नहीं धनक ज्यादा, अब कोई प्रायश्चित नहीं और कोई मौका नहीं। तेरे साथ तो हिसाब अपुन अलग से टैली करेगा। और हां एक और बात, अपुन इधर से निकलेगा सीना ठोक के, अपनी माई को अपने सारे परिवार को बाहर निकालेगा अपने दम पे, तेरे एहसान पर नहीं, समझी?